हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम 13 अप्रैल 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विथ राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे पूछा गया था। IMF ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान क्या बताया है? ऑप्शंस थे 7.1%, 7.3%, 7.5% या फिर 7.7%। इसका राइट आंसर होगा 7.3%, यानी कि सेकंड ऑप्शन। पहले IMF ने इस अनुमान को 7.5 बताया था जिसमें 2 आधार पॉइंट की कमी कर दी गई है, तो अब ये हो गया है 7.3%। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कौन सा बैंक भारत का शीर्ष बैंक है? ऑप्शंस हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, HDFC बैंक। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत का शीर्ष बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक इस सर्वेक्षण के पहले संस्करण में फोर्ब्स ने 23 देशों के सर्वश्रेष्ठ बैंकों को मापने के लिए मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी किया था। पहले स्थान पर है HDFC बैंक, दूसरे पर है ICICI बैंक, और जो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो इस पायदान में 11वें नंबर पर है। HDFC बैंक के MD हैं आदित्य पुरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस स्थान पर आयोजित किए गए विश्व जल शिखर सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रिस्बेन, जोहान्सबर्ग, मुंबई, लंदन। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, लंदन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लंदन में वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के गौरव से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के पहल के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें लोगों के जीवन में भी सुधार आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरिन द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं नजमा अख्तर, साबरी खातून, आजदा तासीन, सारा मलिक। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नजमा अख्तर। नजमा अख्तर को दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के करीब 100 साल के इतिहास में यह पद पाने वाली पहली महिला बनी है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडम हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं चीन, न्यूजीलैंड, रूस, जापान। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, न्यूजीलैंड।
भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को न्यूजीलैंड सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया है, और ये न्यूजीलैंड सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो न्यूजीलैंड के बारे में जानने के लिए हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप, और इसमें न्यूजीलैंड, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जैसी नाडा अर्डर्न अर्डर्न। ये न्यूजीलैंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शंस हैं इजराइल, मलेशिया, केन्या, मालदीप। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। इन्होंने यह चुनाव 5वीं बार जीता है। उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को हराकर ये जीत इन्होंने हासिल की है। नेतन्याहू अब इजराइल के जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में वर्णित देश के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन की तुलना में अब तक के इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम बन गए हैं। अब ये इजराइल के पीएम बने हैं, तो इजराइल के बारे में जानने के लिए हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, और इसमें इजराइल, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलम, यहाँ की करेंसी है न्यू सेकेल, और प्राइम मिनिस्टर अभी फिर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये इसराइल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, रूस। भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, जो कि रूस का सर्वोच्च राष्ट्र पद है, से सम्मानित किया गया है, और यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। रूस के बारे में जानने के लिए हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए यह है वर्ल्ड मैप, और इसमें रूस, ये है रूस यानी कि रसिया। यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की करेंसी है रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ADIBF 2019 में सम्मानित अतिथि देश होगा? सबसे पहले आप ADIBF का फुल फॉर्म जान लीजिए, अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल। अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें किस देश को सम्मानित अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत। संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि भारत अप्रैल 2019 के अंत में आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले ADIBF 2019 में सम्मानित अतिथि देश होगा। मेले का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात की समृद्ध विरासत को उजागर करना, इसकी प्राथमिकता और आधुनिकता के साथ ही साथ साथ इसके सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्पादन को प्रदर्शित करना है। ADIBF के निदेशक हैं अब्दुल्ला माजिद अल अली। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए यह है वर्ल्ड मैप, और इसमें संयुक्त अरब अमीरात, यह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यहाँ की दिरहम, और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये संयुक्त अरब अमीरात के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, दुनिया की 15 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, भोपाल, कानपुर, दिल्ली। ये आज के यानी कि 13 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।